आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय अमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बांसवाड़ा द्वारा किया गया। देना है उसकी पैकेज की स्वीकृति बीमा कंपनी से लेने के बाद में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और फिर उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। आयुष्मान भारत की उसके संबंध में हमें वहाँ पे लोगों को बताना है, अधिक से अधिक हमारे बांसवाड़ा के लोगों को लाभान्वित किया जाना है। इसीलिए आज हमने इस बैठक के अंदर सभी हमारे प्रधान महोदय और सभी यहाँ पे जो सिटी के जितने पार्षद महोदय को यहाँ पे बुलाए थे। जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना जो लागू करी है आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने, पहले भी वो मुख्यमंत्री थे तब उनका एक सपना था कि कोई भी स्वास्थ्य के प्रति मरीज मौत के घाट नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने निःशुल्क दवा की योजना उनके कार्यकाल में उन्होंने चालू करी थी। जहां से बच्चा जन्म लेता है माँ के पेट में पलता है वहां से लगा के मरण तक की योजना गहलोत साहब ने बनाई थी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसका अनुसरण किया गया था। हमारे डायरेक्टर साहब अच्छी बात कही, इस प्रकार से बैनर लगने चाहिए बड़े-बड़े। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत माननीय जिला प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पे बैठक रखी थी, जिसमें उप जिला प्रमुख चेयरमैन साहब और विभिन्न वार्डों के जो पार्षदगण और सभी प्रधान महोदय और सभी जनप्रतिनिधि कुछ जो यहाँ के जो लोकल हैं उनको सभी से आग्रह किया था, यहाँ पे उपस्थित होकर के उनके इस संबंध में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में जानकारी दी और उनके सभी के विचार आदान प्रदान हुए और इस योजना के संबंध में सभी को जानकारी दी। बांसवाड़ा ज़िले के अंदर 7 हॉस्पिटलों प्राइवेट हॉस्पिटल और 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सम्मिलित किया है, जिसमें 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पर सरकारी CSC हैं वो इस योजना के अंतर्गत अभी रनिंग है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में 7 के आवेदन में से 1 का ही आवेदन अभी स्वीकार हुआ है और वहाँ पर योजना का प्रारंभ हुआ है। अभी 6 जो वहाँ पर निजी हॉस्पिटल हैं वो अभी वेटिंग में, उनकी कुछ न कुछ इंक्वायरियाँ हैं वो अभी पूरी होने के बाद में जैसे उनको स्वीकृति राज्य सरकार से मिलेगी। ज़िले में सर कितने लोगों से इससे लाभान्वित होंगे? इसमें ज़िले के अंदर जो भी NFSA के साथ में जुड़े हुए, जिनके जन आधार कार्ड है NFSA के अंदर जुड़े हुए हैं, वही लोग इसके अंदर इस योजना के अंदर लाभार्थी होंगे। इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे जो इस वर्ष जैसे 50,000 रुपये तो जो है सामान्य बीमारी के हैं और 4,50,000 रुपये जो गंभीर बीमारी जो है उसके लिए है, यानी कि टोटल जो बीमा है वो 5,00,000 का है। इसके अंतर्गत जैसे NFSA के साथ में जो अन्य जैसे 1-2 किलो गेहूँ उठा रहे हैं लोकभाग वो भी इसके लिए पात्रता रखते हैं, तो ये भी है उसमें। तो इस संबंध में हम स्टेट से, मैं देखिए आज जैसे बात उठी है जिला प्रमुख जी ने कहा है तो उस संबंध में मैं एक बार अहमदाबाद यदि कोई ऐसे हॉस्पिटल हैं और स्टेट लेवल से बात करके यदि कोई लाभ यदि हो सकता है तो डेफिनेटली उन लोगों को दिलाएंगे। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की जिला स्तरीय अनुकरण की कार्यशाला की एक बैठक हुई। इस बैठक में जिला परिषद की रेशम मालविया, नगर परिषद के सभापति जनरल त्रिवेदी मौजूद रहे। ताबेर अहमद ने बताया कि विभिन्न वार्डों के पार्षद एवं जनप्रतिनिधि और प्रधान मौजूद थे, उनको स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर से बांसवाड़ा पत्रिका के लिए मैं आशीष गांधी।